हाय गाइस, वेलकम टू मौसमी किचन। मौसमी किचन में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह ही आज भी एक इजी और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज पनीर की खीर बनाऊंगी मैं, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी इसमें मैं। तो नए व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, बेल आइकन को प्रेस करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आसान तरीके से नवरात्रि पर पनीर के खीर को बनाते हैं आज। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर के टुकड़े को ली है। अब एक ग्रेटर लें और महीन कटने वाले हिस्से को अच्छी तरह देख लें। छोटे वाले कटर से घीस लें पनीर को। वैसे तो पनीर को घर पर भी बनाकर इसकी खीर बना सकते हैं, तब ताज़ी ही पनीर को बिना घिसे आप डाल सकते हैं। मैंने तो बाज़ार की लाई है, इसीलिए इसे थोड़ी घीस लेनी होती है हमें। अपने दूध की क्वांटिटी के हिसाब से ही आप पनीर को लें। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया निकली है पनीर घिसकर। ऐसे भी गर्म दूध में डालने पर ये नरम हो जाएगी। इसी ग्रेटेड पनीर से पनीर की भुर्जी भी बनाते हैं, कभी इसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी आपको। एक कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दी है। 1 लीटर से थोड़ी कम, करीबन 750 ml दूध डाले कढ़ाई में। दूध के एक उबाल आने तक फ्लेम को बढ़ाकर ही रखें। एक उबाल आ गई है दूध में, फ्लेम को मीडियम कर दें और चला लें। अब दूध के थोड़ी गाढ़ी होने तक इसी तरह से चलाते हुए पका लेनी है। अब घिसे गए पनीर को डाल दें। दूध गर्म है और पनीर भी सॉफ्ट होती है, दूध में जल्दी गल जाएगी। अब मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लें, लगातार चलाते रहें। दूध लगभग गाढ़ी हो रही है, देखिए अच्छी उबाल भी आ रही है इसमें। कढ़ाई के साइड में ये चिपक रही है, फ्लेम को धीमी कर दें। अब फ्लेम की धीमी करने पर भी इसमें बबल्स बन रही हैं। अब और 2 मिनट तक चला लें। देखिए कितनी अच्छी तरह से पनीर घुल गई है दूध में। यहाँ पर मैंने आधे कप दूध में केसर मिक्स कर ली थी, तो इसे दे दूंगी। अब केसर के मिलने पर खीर की कलर अच्छी आएगी। 1 कप चीनी डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिठास के लिए चीनी आप अपने हिसाब से डालें। धीमी फ्लेम में ही और 5 मिनट तक पका लेनी है हमें। 5 मिनट बाद खीर की रंग बदल गई है, देखिए। 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालें, कुछ चौर पिस्ता, बादाम और काजू डालें। खीर के हर सिप के साथ ड्राई फ्रूट्स की बाइट्स मज़ेदार लगेगी। मिक्स कर लें और 2 मिनट तक कच्चे से चलाते हुए पका लेनी है हमें। फ्लेम को धीमी ही रखें। खीर अब पक चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इसी तरह की होनी है। फ्लेम को बंद कर दें और इसे नीचे उतार लें। एक सर्विंग बोल लें आप, खीर को सर्व कर दें। ठंड होने पर ये और गाढ़ी हो जाएगी। आप चाहें तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, थोड़ी सुंदर दिखे इसीलिए ऊपर से कुछ गुलाब के पंखुड़ियों को दे दें। अब ऊपर से कुछ चॉप बादाम को दें, कुछ चॉप पिस्ता भी डालें। आप अपने हिसाब से और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी पनीर वाली खीर रेडी है। दूध, पनीर, चीनी से हमारी खीर कितनी आसानी से बन गई है। केसर और इलायची पाउडर तो ऑप्शनल है, ना भी डालें तो खीर में टेस्ट अच्छी ही आएगी। तो आप भी इसी तरह से नवरात्रि पर पनीर से खीर को बनाएं और सभी को खिलाएं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी अपने व्यूज कमेंट करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Thanks for watching guys. Nahi.
इजी और हेल्दी रेसिपीज लेकर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।